बेटा लाइफ ऐसी है, कोई भी चीज परफेक्ट टाइम पे नहीं होती। यू नो लाइफ एक पी का रश की जैसे होती है। गाड़ी में इतनी भीड़ होती है तो आप सोचते हैं कि अगली गाड़ी उसमें भीड़ नहीं होगी, अगली गाड़ी आती है तो उसमें भी उससे ज्यादा भीड़ होती है, तब आप सोचते हैं कि चलो नेक्स्ट ट्रेन डेफिनेटली भीड़ नहीं होगी, और ऐसे करते करते सारी गाड़ियां निकल जाती, जो गाड़ी मिले उसमें घुस जाओ। जगह तो बनेगी ही, बन ही जाती है। जब आप अपने घर की जिम्मेदारियों को, अपने फैमिली की सिचुएशन को, खुद की सिचुएशन को देखते हो, पल पल में मोटिवेशन आता है। अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, उसकी घर की सिचुएशन बहुत खराब है, और अगर वो मुझसे कहता है कि यार मोटिवेटेड कैसे रहूं, ये हो रहा है, एनर्जी नहीं आ रही है, क्या करूं, आलस आ रहे हैं, मैं सोचता हूं तुम्हारे अंदर आलस आ कैसे सकते हैं, आ कैसे सकते तुम्हारी जिंदगी में आलस। पल पल में मोटिवेशन आता है हालातों से, जिम्मेदारियों से। आपकी लाइफ में जितनी भी जिम्मेदारियां उनसे भागो मत, उनको स्वीकार करो। इतना मोटिवेशन आएगा ना, दुनिया का कोई मोटिवेशन स्पीकर इतना मोटिवेशन आपके अंदर डाल ही नहीं सकता।